माननीय प्रतिपक्ष के नेता, आप सदन के वरिष्ठ नेता हैं, मेरा आपसे आग्रह है कि राष्ट्रपति अभिभाषण पर डिबेट हो रही है, इसकी गरिमा राष्ट्रपति अभिभाषण की गरिमा रखे ना। ये तो अपेक्षा आपसे सब करते हैं कि आप राष्ट्रपति अभिभाषण पर बोले, नीतियां पे बोले, कार्यक्रमों में बोले, आप व्यक्तिगत रूप से नहीं। अगर आप ये उचित मानते हैं क्या स्पीकर सर, ये उचित है? अगर आपकी पार्टी इसको उचित मानती है तो मुझे कुछ नहीं कहना। स्पीकर सर, माननीय अध्यक्ष जी, लोकतंत्र ने और संविधान ने मुझे सिखाया है कि मुझे विपक्ष के नेता को गंभीरता से लेना चाहिए। स्पीकर सर, आपने कहा कि डिबेट प्रेसिडेंट्स एड्रेस पे होनी चाहिए। ये जो मैंने किया है, अनुराग ठाकुर जी ने अयोध्या की बात की थी, अनुराग ठाकुर जी ने सनातन धर्म पर आक्रमण की बात की थी, इसीलिए मैंने ये किया है। मैं दिखाना चाहता हूँ कि अयोध्या में क्या हुआ, अयोध्या की सच्चाई क्या थी। प्रेसिडेंट्स डिबेट में उन्होंने बात उठाई थी, मैंने बात बंद की। डर फैलाया और ऑपोजिशन का रिस्पॉन्स, एक साथ मिलकर भारत जोड़ो यात्रा, सारे के सारे ऑपोजिशन, पूरा देश एक साथ मिलकर कन्याकुमारी से कश्मीर तक चला। और जो आपने डर फैलाया उसके बारे में यात्रा में बहुत कुछ सुनने को मिला। अभी तक याद है, सुबह 7-8 बजे की बात थी, यात्रा में चल रहे थे, एक महिला आती है हमारे साथ, चलती है, मेरा हाथ पकड़ती है और घबराई हुई सी थी, तो मैंने पूछा क्या हुआ, वो मुझे कहती है मुझे मार रहा है। मैंने पूछा कौन मार रहा है। बेटी बचाओ, बेटी की दुविधा सुनाई दे रही, बेटी का दर्द नहीं सुनना चाहते, भारत की महिलाओं का दर्द नहीं सुनना चाहते। मैंने पूछा कौन मार रहा है, कहता है मेरा पति मार रहा है। मैंने कहा क्यों, कहती है सुबह का खाना नहीं दे पाई। मैंने कहा क्यों, खरीद नहीं पाई, महंगाई है, खरीद नहीं पाई, खाना नहीं पका पाई, इसलिए मुझे मार पीट रही है। मैंने कहा बहन क्या करूं, कैसे आपकी मदद करूं। कहती है आप कुछ मत कीजिए, आप सिर्फ ये बात याद रखिए कि महंगाई के कारण हिंदुस्तान में हजारों महिलाओं को सुबह पीटा जा रहा है। उसके शब्द हैं, मेरे शब्द नहीं है। गैस सिलेंडर, महंगाई, तो आपने गरीबों को, महिलाओं को डराने का काम किया। शिव जी कहते हैं डरो मत, डराओ मत। आपने हिंदुस्तान की महिलाओं को महंगाई से हर रोज डराया है। कुछ दिन पहले मैं पंजाब में अग्निवीर के परिवार से मिला, सुनिए, अग्निवीर के परिवार से मिला। छोटा सा घर था। क्या हुआ?
ठीक है सर, छोटे से घर में अग्निवीर शहीद हुआ, लैंडमाइन ब्लास्ट में शहीद हुआ, मैं उसे शहीद कह रहा हूं, मगर हिंदुस्तान की सरकार उसे शहीद नहीं कहती है। नरेंद्र मोदी उसे शहीद नहीं कहते हैं, नरेंद्र मोदी उसे अग्निवीर कहते हैं। उस घर को पेंशन नहीं मिलेगी, उस घर को कॉम्पेंसेशन नहीं मिलेगी, शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा। और बेचारे बैठे हुए थे, तीन बहनें थी, एक साथ बैठी हुई थी, रो रही थी, आम जवान को पेंशन मिलेगी, जरूर दुख होगा, मगर हिंदुस्तान की सरकार आम जवान की मदद करेगी। मगर अग्निवीर को जवान नहीं कहा जा सकता, अग्निवीर यूज एंड थ्रो मजदूर है। और आप उससे कहते हो, उसको आप 6 महीने की ट्रेनिंग देते हो, 6 महीने की ट्रेनिंग देते हो, दूसरी तरफ चाइना के जवान को 5 साल की ट्रेनिंग मिलती है, राइफल लेकर उसके सामने खड़ा कर देते हो, उसके दिल में भय पैदा करते हो, एक जवान और दूसरे जवान के बीच में फूट डालते हो कि एक को पेंशन मिलेगी, एक को शहीद का दर्जा मिलेगा, दूसरे को नहीं मिलेगा, और फिर अपने आप को देशभक्त कहते हो। ये कैसे देशभक्त हैं? फिल्म स्टार जैसी फोटो थी उस लड़के की, फिल्म स्टार, बॉलीवुड स्टार की फोटो थी। मैं सोच रहा था, देखो इस युवा ने जान दी। स्पीकर सर, जी कन्नड न्यूज ईग निम्म मनेयल्ले नोडी, एल्ला केबल गळल्ली ईग लभ्य, सन डायरेक्ट 292, जियो टीवी 1334, ಯು ಡಿಜಿಟಲ್ 162, ಸಿಟಿ ಕೇಬಲ್ 51, GTPL 17, ಅಭಿಷೇಕ್ ಕೇಬಲ್ಸ್ 821, ರಾಕ್ ಲೈನ್ ಟೆಲಿಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ 51, ಶ್ರೀ ಬಸವೇಶ್ವರ ನಂಬರ್ 60, ವಿನಾಯಕ ಡಿಜಿಟಲ್ ನಂಬರ್ 53, ಇನ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ನಂಬರ್ 896. ನಿಮ್ಮಿಷ್ಟದ ಜಿ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ನೋಡಿ ಆನಂದಿಸಿ.